नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, भूपेश कैबिनेट की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री निवास में कैबिनेट की बैठक चल रही है। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। 32 बिंदुओं पर ये चर्चा चल रही है। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने पर चर्चा हो रही है। धान खरीदी शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चा में बात हो रही है। 100% स्कूल खोलने पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो भूपेश कैबिनेट की बैठक जारी। मुख्यमंत्री निवास पर कैबिनेट की बैठक चल रही है। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, जिनमें 32 बिंदु चर्चा जिन पर हो रही है। और पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने, धान खरीदी शीतकालीन सत्र, 100% स्कूल खोलने पर बड़ा फैसला हो सकता है। संवाददाता भुजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए रायपुर से। हमें बताएंगे कि क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आ सकता है, कौन से वो अहम बिंदु जिन पर चर्चा चल रही है। भुजेंद्र जी, मैं बता दूं कि अभी मुख्यमंत्री निवास पर छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चाएं शुरू हुई है, जिसमें वैट को कम करने की बात को लेकर, डीजल पेट्रोल के दावों को जो वैट है उसको कम करने के को लेकर बातें होंगी। साथ ही जो स्कूल है वो 50% अभी तक खुल रहे थे, वो जो अल्टरनेट खुल रहे थे उसको भी 100% खोलने के लिए इसमें चर्चाएं जारी है। साथ ही आगामी जो विधानसभा सत्र है उसको भी लेकर, उसमें तैयारियों को लेकर भी बातें हो रही है। साथ ही 1 दिसंबर से धान खरीदी होना है छत्तीसगढ़ में, उसकी भी तैयारियों का जायजा और चर्चा किया जाएगा। और इस तरह की 32 बिंदु है जिसपे कैबिनेट में चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया भुजेंद्र जानकारी देने के लिए।